हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आप सभी को बताना चाहूँगा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, वो है गाइस एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में। अभी यहाँ पर दो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। एक है आपका SSA, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, और जो दूसरी जॉब पोजिशन है वो है आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है ये एक तरीके की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट है, और बैचलर्स डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास होनी चाहिए, वो आपके लिए रिक्वायर्ड होती है यहाँ पर। और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स इन हिंदी, जो बहुत इजी, आप आराम से इसको क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2674 वैकेंसीज हैं, ये लिखा हुआ है 2674, इतनी वैकेंसीज यहाँ पर इन्होंने SSA की पोस्ट के लिए निकाली है। एज लिमिट होती है 18 साल से लेकर 27 साल तक, तो जो लोग भी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने को इंटरेस्टेड हैं, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अभी ये एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़पेपर है उसमें आया हुआ है, इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द आ जाएगा। सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत ही शानदार है, 29200 से लेकर 92300 का जो है पे मैट्रिक्स है लेवल 5 का, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में आपको बता दूँ, वही होता है इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और जो आपका फेज 2 का एग्जाम होता है उसमें आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग, हो सकता है क्वेश्चंस थोड़े से ऊपर नीचे हो जाएं, बट हाँ सब्जेक्ट्स आपके सारे यही आते हैं। तो जनरल अवेयरनेस अगर आप EPFO के लिए बहुत डिटेल में अच्छे से करना चाहते हैं तो आप ये जनरल अवेयरनेस की जो एनुअल मेंबरशिप है आप इसको ले सकते हैं, केवल 299 में है, और इसमें आपका पूरा एग्जाम कवर हो जाएगा। और आप अगर आज इसको बाय करते हो तो ये ऑफर में आपको मिल जा रहा है अभी, और 2022 के सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, 2023 के सारे मिलेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। प्लस साथ में जो पूरी रीजनिंग है, कंप्लीट रीजनिंग A to Z कंसेप्ट, ठीक है, प्री प्लस मेंस का, वो भी आपको मिल जा रहा है केवल 299 में, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये भी आपको केवल 299 में मिल जाएगा। आप तीनों सेक्शंस काफी अच्छे से यहां पर कवर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न समथिंग आपका इसी फॉर्मेट का रहने वाला होगा, बट एक बार नोटिफिकेशन आ जाने दो तो मैं आपको पूरी डिटेल A to Z सब कुछ बता दूंगा। और जो स्टेनो की पोस्ट है ये एक तरीके की जो 12th क्लास है आपने वो अगर कर रखा है, 12th पास हो तो आप भर सकते हो। स्किल टेस्ट नॉर्म्स इसमें होंगे, और इसमें ड्यूरेशन मेंशन कर रखा है कि 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, क्योंकि स्टेनो में एक अलग तरीके की आपकी टाइपिंग होती है। और 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी ओनली ऑन अ कंप्यूटर, ये ट्रांसक्रिप्शन है, और डिक्टेशन के लिए इन्होंने ये मेंशन कर रखा है। टोटल 185 वैकेंसीज है, तो जो लोग स्टेनो की तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने ये डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रखा होगा, ठीक है, इसकी टाइपिंग की होगी, तो वो लोग इसके लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे। 1827 जो है ये इसकी वो है एज लिमिट है, और 25,000 से लेकर 21,100 का इसका लेवल 4 का जो पे स्केल है, ठीक है, और ये आपको पता चल गया। बाकी इसका डिटेल नोटिफिकेशन एक बार जैसे ही आएगा मैं आपको पूरी डिटेल A to Z इसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट टिल देन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि अभी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट रखें, और करंट अफेयर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आप इसमें इनरोल हो पाएँ। और 27 मार्च से लेकर 26 मार्च तक आपके 27 मार्च से लेकर 26 अप्रैल 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो जो डिटेल होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप ये डेट यहाँ पर नोट कर लें, 27 मार्च से लेकर 26 अप्रैल एक महीने तक इसके पूरे फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। आपके जो जो सवाल होंगे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं सभी के रिप्लाई करूंगा, और जो सिलेबस है लेटेस्ट वाला वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी न्यूज़ है, और आप सभी के लिए अभी से ही तैयार करने का एक बढ़िया मौका भी है, तो अपनी तैयारी स्टार्ट करें और इन बेहतरीन कोर्सेज से अपनी और भी प्रिपरेशन मजबूत करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है।